हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल फ़ोन के ऑटोमेटिक डाटा ऑन ऑफ प्रॉब्लम के बारे में। गाइस, अगर आप अपने इंटरनेट को चलाते हैं और अपने आप ही आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, या फिर गाइस कभी न कभी अपने आप ही चालू हो जाता है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा वाली सेटिंग पे क्लिक करना है, या हो सकता है नेटवर्क सेटिंग वाला भी आपको ऑप्शन यहाँ पर मिले, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उस सिम को सिलेक्ट करना है जिससे आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं। फिर गाइस, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको डाटा रोमिंग अगर बंद है तो इसे चालू कर देना है। चालू करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर दो डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको रिसेस एक्सेस पॉइंट्स पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, इतना आपको कर लेना है। इतना करने के बाद आपको एक बार चेक करना है अपने इंटरनेट को ऑन करके कि सही से चल रहा है कि नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इतना करने के बाद, तब आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च बार अगर आपके फ़ोन में रहेगा तो यहाँ पर सर्च करना है रिसेट। जैसे ही सर्च करेंगे रिसेट, आपको यहाँ पर रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, या रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। अगर आपके फ़ोन में रिसेट यहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर खोजना है एडिशनल सेटिंग्स को। आपको इस पर क्लिक करना है एडिशनल सेटिंग पे, फिर आना है नीचे और यहाँ पर बैकअप एंड रिसेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करना है नीचे इरेज ऑल डेटा पर, और यहाँ पर आपको देखिए आपके फ़ोन में मिलेगा ऑप्शन रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स, रिसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली, जो कि मैंने आपको सर्च बार में सर्च करके दिखाया था। यहाँ पर आने के बाद देखिए, मैं अपने इंटरनेट को ऑफ़ करता हूँ और अपने नेटवर्क को अगर रिसेट करता हूँ, और हमारा अभी देखना इंटरनेट अपने आप ही ऑन हो जाएगा, वाईफाई भी ऑन हो जाएगा। ये देखिए गाइस, अपने आप ही। अब इतना करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार रिबूट या रीस्टार्ट कर लेना है। पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो रीस्टार्ट या रिबूट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिसेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।